हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, बीटेक फर्स्ट सेम की मैथ्स है ये। और इसमें हम लोग एके ट्यूर यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम लोग की लास्ट यूनिट यूनिट 5 आज से स्टार्ट हो रही है। और इसमें आज हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे कि 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर दिस वेक्टर v इज इक्वल टू गिवन है इस सोलेनोइडल। सोलेनोइडल की कंडीशन होती है कि डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि हमें क्या है, ये जो हमारा वेक्टर है वो सोलेनोइडल है। अब डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल के जेड। यहां पे क्या होगा, जेड के डॉट। वी की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स प्लस 3 वाई आई वाई माइनस 3 जे 3 जेड और जे एक्स माइनस 2 जेड के। ठीक है, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस वी। अब देखिए आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो हमें क्या मिल गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 वाई। जे डॉट जे का प्रोडक्ट 1 होता है, तो हमें मिल गया डेल अपॉन डेल वाई वाई माइनस 3 जेड। इसके बाद डेल अपॉन डेल जेड के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, एक्स माइनस 2 जेड। अब देखिए यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहां वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहां जेड की रिस्पेक्ट में करोगे तो देखिए जेड यहां पे है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सोलेनोइडल वाली फुलफिल हो रही है। तो 0 आने से ये शो हो गया कि ये जो वेक्टर v है वो क्या है, सोलेनोइडल है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।